ओम शांति। 12th अक्टूबर 2020। आज बाबा की साकार मुरली। आज की मुरली में जो सबसे पहले वरदान था कि त्रिस्मृति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव, त्रिस्मृति स्वरूप का एब्सोल्यूट धारणा। त्रिस्मृति क्या है? बाबा ने बताया, आत्मा, बाबा और ड्रामा की स्मृति जिस आत्मा को होगी, गहरी समझ होगी, है ना, कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता, परमात्मा, ईश्वर, है ना, खुदा, जिसके लिए गार्डन ऑफ अल्लाह जैसी बातें बोली गई हैं, जिसके लिए वाहे गुरु और जिसके लिए पूरी दुनिया न जाने क्या जप तप आदि कर रही है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए। तो बाबा ने कितने सरल शब्दों में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम केवल और केवल अपनी वास्तविकता को स्मरण करके, इन तीन बातों की स्मृति में रह करके दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो, है ना। फिर बाबा ने कहा, अपनी सभी प्राप्तियां जब सामने रखोगे तो कमजोरियां तो स्वतः समाप्त हो ही जाएंगी। प्राप्ति क्या है? प्राप्ति वो स्थिति जिसमें पूरी दुनिया का एक बिलीफ सिस्टम और हमारा बिलीफ सिस्टम एक राजा प्लस एक योगी के परफेक्ट कॉम्बिनेशन का। हम कर्मों में तो आएंगे, निरंतर हम कर्म करेंगे, कर्मयोगी भी तो हैं, लेकिन उस कर्म के साथ साथ अपने शांति के धर्म को कभी भी विस्मृत नहीं होने देंगे। बाबा ने कहा था ना कि अभी तो तुम बिल्कुल कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट बन चुके हो, है ना, पिछली मुरलियों में बाबा ने ये चीज़ हमें रिकॉल कराई। तो कर्म करते हुए अपने धर्म की विस्मृति नहीं होने देंगे, यही राजयोग का अल्टीमेट एम है ना। तो बाबा ने कहा, ये तीन बातों को स्मृति में रखो तभी संपूर्ण बनेंगे, है ना, तभी संपूर्णता को स्वतः प्राप्त करेंगे। बाबा ने आत्मा के विषय में हमें रिकॉल कराया कि आत्मा बिल्कुल अब बेसमझ बन चुकी है। उसके अंदर से समझ यानी ज्ञान, यानी आत्मा, परमात्मा और ड्रामा का जो सटल रियलिटी है और अटल रियलिटी है, ये बात बिल्कुल विस्मृत हो गई। तो आज बाबा अपने आप को टीचर, खिवैया, बागवान के रूप में हमारे पास आए, है ना, अपने आप को पारसनाथ भी बाबा ने कहा। तो बाबा ने ये स्मृति दिलाई कि बच्चे, अभी तुमको पढ़ा करके मैं फिर से काबिल बना रहा हूँ। जो बातें तुम बिल्कुल भूल गए, विस्मृत हो गई, और जो हमारे लाइफ की बुनियाद थी, जीवन की बुनियाद थी, उसे फिर से बाबा इनकलकेट कर रहा है। बाबा ने बोला ना, खिवैया हूँ, लेकिन वो हमारी नाव को ऐसे उठा करके नहीं ले जाएगा, वो कर्मों की गति सिखाने वाला परमपिता परमात्मा है। तो बाबा कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें इस शोर से उस शोर जाना है। डेफिनेटली बाबा इज देयर विद अस, लेकिन याद करने का पुरुषार्थ तो आत्मा को करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके ऐसा क्या प्रूफ बाबा दूसरों को दिखाएगा, है ना, कि इनको स्पेशल हेल्प किस चीज़ के लिए। तो पुरुषार्थ, एक बिल्कुल डिफरेंट लाइफ, अगेंस्ट द करंट स्विमिंग किया, पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, और उसका परिणाम है ये। बागवान क्यों है? क्योंकि कांटों से फूल बनाना, कांटा मना दर्द दुख, है ना। बाबा ने कल अहिंसा परमो धर्म वाली बात स्मृति में दिलाई ना, कि तुम्हें हिंसा नहीं करना, अहिंसक बनना है, है ना। तो हिंसा यही है, काम कटारी चलाना और किसी को वाचा से या अपने कर्मों से दुख पहुंचा देना, है ना। तो बाबा ने कहा कि फूल बनो। तो रोज फ्लावर कैसा होता है? कांटों के बीच में ही रहता है, लेकिन अपनी खुशबू और अपनी कोमलता को छोड़ता नहीं है, और सबसे अधिक प्रिय होता है ना। रोज़ का फ्लावर ऑलमोस्ट हर किसी को पसंद है, अनलेस एंड अंटिल कोई एलर्जिक ना हो, है ना। तो बाबा ने ये स्मृति हमें फिर से दिलाई। पारस बुद्धि ही क्यों कहते हैं बाबा, कभी पारस आत्मा क्यों नहीं कहते? क्योंकि पारस एक ऐसा पत्थर है जो सोना बनाता है, और सोना बाबा ने सदा आत्मा के साथ यूज़ किया कि आत्मा 24 कैरेट गोल्ड बनती है। तो जिस आत्मा की बुद्धि पारस जैसी होगी, यानी जिस बुद्धि में पवित्रता होगी, समझ होगी, बाबा होगा, ड्रामा की स्मृति होगी, केवल वही आत्मा 24 कैरेट गोल्ड बन करके स्वर्णिम भारत को लाने के निमित्त बन सकती है। कभी भी हम दूसरों की सहायता बिना स्वयं की सहायता किए कर ही नहीं सकते। अगर वास्तविक सेवा करने की इंटेंशन है तो अपने आप को 100% ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। 100% करेंगे तभी वहाँ पर
90%, 95% या 100% भी आप सम्मान की स्टेज तक भी पहुंच पाएंगे। पुरुषार्थी हैं फिलहाल तो बाबा ने और क्या स्मृति, बाबा ने कहा तो भक्ति मार्ग से रिलेटेड, बाबा ने बोला ना कि जैसे पारसनाथ का मंदिर बेशक बना हुआ हो है ना, लेकिन इम्पोर्टेंस किसकी रहेगी सदा, पारसनाथ में भी शिवलिंग है और शिव जयंती ही सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। शिव जयंती ही है जो है, गहरी बात है ना, अल्टीमेट गॉड इज शिव। गार्डन ऑफ अल्लाह का जिक्र हुआ है ना, जिस अल्लाह की बात पूरा विश्व करता है वो अल्लाह की संतान, उस अल्लाह के बच्चे कौन है, हम आत्मा है ना। बाबा ने और क्या स्मृति दिलाई, बाबा कहता है कि बच्चे भक्ति मार्ग में लोगों ने जप तप दान पुण्य आदि बहुत किया मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, परंतु मोक्ष की प्राप्ति कभी किसी को हो ही नहीं सकती। नो बडी कैन अटेन इटर्नल लिबरेशन एट एनी कॉस्ट, हर किसी को पार्ट में आना ही है ना। बेशक कोई कहे कि मानसरोवर में जाकर के डुबकी लगा करके हम फरिश्ता बन जाते हैं, बाबा ने कहा ना, फरिश्ता बनने के लिए तो प्रैक्टिकल मेहनत करनी पड़ेगी है ना, बिना प्रैक्टिकल मेहनत किए, बिना स्विमिंग सीखे कोई कैसे फरिश्ता बनेगा, नहीं बन सकता। बाबा ने याद दिलाया कि तुम्हें क्या करना है, अपने आप को सुंदर रत्न बनाना है, जैसे दुनियावी रीति से कोई सुंदर होता है ना, तो उसको एंजल कहते हैं, लुकिंग लाइक एन एंजल, सो ब्यूटिफुल। बाबा कहते हैं तुमको एंजल ही तो बनना है, खूबसूरत रत्न बनना है, 84 के चक्र को फिराओ। संगमयुग के लिए क्या कहते हैं बाबा, कि जो बच्चे मददगार हैं उनको ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, ऐसी गहरी समझ प्राप्त हो जाएगी कि उन्हें कभी भी किसी से भी सजेशन लेने की कोई आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं थ्रू आउट द साइकिल है ना। समझ की संपूर्ण, हमारे अंदर कभी समझ का कोई अकाल नहीं पड़ेगा फॉर 2500 ईयर्स। ऊंचे ते ऊंचा बाप जो ऊंचे ते ऊंची शिक्षा देता है वो स्वयं को क्या कहता है, मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, ओबीडियंट टीचर हूँ, तुम लायक और सपूत बनो, नाम बदनाम मत करो है ना। बाबा ने स्मृति दिलाई ना, कल भी कहा था ना हिंसा नहीं करना, अहिंसक बनना है, तो आज भी कहते हैं कि बिल्कुल कांटा नहीं बनना है ना, फूल बनना है। गार्डन ऑफ अल्लाह बार बार रिकॉल कराया, उस भाई को भी रिकॉल कराया जिनको ट्रांस में साक्षात्कार होता था है ना, कि फूल दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो साक्षात्कार यूं ही थोड़ी हुआ, वास्तविक अल्लाह ही तो फूल देगा ना। गहराई से बाबा अपना जो स्टेटस है बाबा का, वो हमारे को हमारी बुद्धि में स्टैब्लिश करना चाहता है कि जिस परमात्मा को तुमने न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा वो बिल्कुल तुम्हारे सामने आकर के विराजमान है। ड्रामा के विषय में ये बेहद का ड्रामा है ना। ड्रामा में जो बातें नूंद है वो तो होनी है ड्रामा अनुसार, लेकिन हमें पता थोड़ी है क्या होना है, तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अगर ड्रामा में सारी बातें नूंद हैं जो कि डेफिनेटली एक सेकंड भी इधर उधर नहीं होगा, ये परमात्मा महावाक्य है, इसमें हम अपना मत ना मिलाएं वही ठीक है ना। बाबा ने कह दिया एक सेकंड ना मिले दूसरे से और सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता है, ठीक है बाबा, लेकिन हमें पता थोड़ी है क्या रिपीट होने वाला है, इसीलिए बाबा कहते प्लेन बुद्धि से प्लान बनाओ। तो जब प्लेन बुद्धि से प्लानिंग करेंगे तो जो ड्रामा में नूंद है वही प्लानिंग्स होंगी, ड्रामा अनुसार वो फिर सफल हो जाएंगी। तो अंत में जब बाबा ने कहा विनाश के वक्त जब आत्मा एकदम मच्छरों के सदृश झुंड में वापस जाएगी है ना, तो उस चीज़ का भी साक्षात्कार हम बच्चों को हो सकता है। ओम शांति।